subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टेक्निकल मास्टर MST। तो आज मैं आपको पंजाब नेशनल बैंक में डेबिट कार्ड के लिए ऑफलाइन फॉर्म किस तरह से भरना है दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्म है और यहाँ पे फॉर्म को मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस तरह से आपको करना है। यहाँ पे जो BO का मतलब होता है आपका ब्रांच, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्रांच डाल देना है और यहाँ पे डेट डाल देना है जिस डेट में आप लोग जमा करेंगे इस फॉर्म को। और यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर इंश्योरेंस ऑफ ATM एंड डेबिट कार्ड, तो आप लोग यहाँ पे क्लासिक कर देना, क्योंकि क्लासिक होता है एक जनरल ATM कार्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मास्टर वीज़ा के लिए भी कर सकते हैं क्लासिक, और भी है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, प्लैटिनम है, मिंत्रा है और यहाँ पे किसान ATM है, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे क्लासिक कर देना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर इन ब्लॉक लेटर, तो यहाँ पे आपका नाम डाल देना है। अगर जॉइंट अकाउंट है तो दूसरा जो आपका जॉइंट होल्डर है उसका नाम यहाँ पर डाल देना है। और एकदम ऊपर में आप लोग देख सकते हो दोनों फ़ोटो का दिखा शो कर रहा है। अगर आपको अकाउंट सिंगल अकाउंट है यहाँ पर सिंपली एक फ़ोटो डाल देना है, अगर जॉइंट है तो दूसरा फ़ोटो यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। अभी नीचे चले आना है, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर यहाँ पर आपको पूरा नाम डाल देना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, जस्ट टाइप ऑफ कार्ड में यहाँ पर पर्सनलाइज कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देना है, ठीक है। ईमेल आईडी जो आपको स्मॉल लेटर में लिखना होगा, ठीक है। और अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे डिटेल्स ऑफ मेन एंड लिंक अकाउंट यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टाइप ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर मेन पर यहाँ पर टाइप ऑफ अकाउंट एक्सेप्ट कर देना है, आई मीन सेविंग अकाउंट कर देना है। CA का मतलब होता है करेंट अकाउंट, तो यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट लिख देना है SF, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो 16 अंक का जो अकाउंट नंबर है यहाँ पे आपको डाल देना है। और पूरा इंस्ट्रक्शन आप लोगों को पढ़ लेना है, पूरा इंस्ट्रक्शन किस तरह से यहाँ पे है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द फर्स्ट अकाउंट होल्डर, यहाँ पर आपका सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। और अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो सिग्नेचर यहाँ पर जॉइंट अकाउंट के जो सेकेंड पर है उसको आपको सिग्नेचर कराना है यहाँ पर, ठीक है। और आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इस फॉर्म के साथ आपको जो जो आपको फोटोकॉपी देना है, यहाँ पे आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, ठीक है, आपका बैंक का पासबुक का जेरोक्स, तीनों आपको डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। स्टेपलर करके आपको जमा कर देना है। जब आप लोग जमा कर देंगे उसके 7 दिनों के अंदर अंदर आपके मोबाइल पर एक ट्रैक ID दिया जाएंगे, जिसके थ्रू आप लोग देख पाएंगे आपका जो ATM कार्ड कितने दूर आया है, ठीक है। इस तरह से पूरा आप लोग चेक कर पाएंगे। अगर आपका बैंक के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो आप SMS के थ्रू भी कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, उस जाके उस वीडियो को देख लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।